हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और सावन का महीना चल रहा है बहुत ही बढ़िया। और आज है हरियाली तीज, तो मेरी दिन की शुरुआत हो रही है भगवान जी से, तो मेरी मंदिर से। तो मैं अपनी माता रानी को आज नहलाया है और हरे रंग के जो वस्त्र हैं वो पहना रही हूँ तीज वाले दिन के। तो आज सभी हरे हरे पहनने वाले हैं, ग्रीन डे है। तो आप सभी को मेरी तरफ से तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और तो कर लेते हैं सुबह का जो मेरा काम है वो, और वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग बनी रहिएगा ब्लॉग में और पूरा देखिएगा ज़रूर। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर किस किस ने हरियाली तीज कैसे मनाई, तो हमारी भी देखिएगा हम लोगों ने आज का जो दिन है हमारा कैसा गया। तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर कमेंट करके। उम्मीद नहीं थी इससे अच्छा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती तो उससे अच्छा हो जाता है। तो कान्हा जी के भी हरे हरे कपड़े मैंने पहना दिए हैं, कल ही मैं लाई थी। तो मेरे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। अब पारी है राधा रानी की, तो राधा रानी को भी मैं हरे कपड़े ही पहनाऊंगी आज मैं, और बाद में मैं मुझे भी खुद तैयार होना है। बहुत सारे काम हैं घर के जो करने पड़ते हैं तो वो भी करेंगे, और साथ साथ में अपना काम है जो वो भी। तो आज का पूजा में काफ़ी टाइम लगा था मुझे, काफ़ी देर हो जाती है पूजा में, क्योंकि अभी तो बहुत सारा भोग भोग लगाना है और आरती है, और थोड़ी देर मुझे गीता पढ़नी है, मैं गीता पढ़ती हूँ। तो देख लीजिए राधा रानी को भी श्रृंगार कर दिया है मैंने, तो कितनी सुंदर दिख रही है मेरी राधा रानी। तो आज मेहंदी भी लगा देती हूँ थोड़ी सी हाथों पे, आज का अच्छा होता है मेहंदी के लिए। चूड़ी मेहंदी शुभ माना जाता है, सावन का महीना है तो सब हमारे जो सनातन धर्म में तो सब पहनते हैं। और मैंने अच्छे से तैयार किया अपनी माता रानी को भी और राधा रानी को, गोपाल जी को। तो जी जो अमरूद लेके आई थी हरे कलर की, तो मुझे भोग भी आज हरे कलर का ही लगाना है, तो मैं अमरूद का भोग कान्हा जी को लगा देती हूँ आज। और ये अब मैं कर लेती हूँ आरती की तैयारी, क्योंकि मुझे आरती करनी है। कान्हा जी का भोग भोग लग गया और बस अब कर लेते हैं आरती। तो देख लीजिए इस टाइप से दिख रहे हैं मेरे भगवान जी, तो मन खुश हो जाता है अंदर से देख के। और माता रानी को भी आज मैंने हरे वस्त्र पहनाए हैं, तो अच्छा लगता है सामन में हरी हरी चीज़ें। तो पूजा वगैरह हो गई है, और मैंने यहाँ मैं डेली करती हूँ अपनी रसोई में भी, गैस का भी मैं पूजन कर देती हूँ। तो और ये विधि कुछ बातें कर रही है आप लोगों से। और बस अब दोपहर का जो का खाना बन रहा है, तो मैंने बनाई है पूड़ी, सब्जी बनाई है दो तरह की, और बनाया है मीठे में मैंने। बनते तो हमारे ज़्यादातर जवे ही हैं, तो वैसे तो मीठा बाज़ार से आएगा आज, घेवर वगैरह जो भी लाएंगे सब बाज़ार से आ जाता है। और मेरी फ्रेंड आ गई थी मेरे घर, तो मैंने खुद सोचा था कि मैं इसके पास जाऊंगी शाम को, लेकिन हुआ ऐसा ये पहले ही मेरे घर पे आ गई कि चलो चलते हैं वहाँ। तो हम सारे इकट्ठे हुए, ये पार्लर वाली हैं जो दीदी, तो इनके घर पार्लर पे आए थे, तो इनको भी लेके फिर सब लोग गए और अच्छे से मस्ती की, खूब नाच गाना हुआ वहाँ पे। तो हरियाली तीज अब की बार बहुत अच्छी मनी, कई बार बहुत अच्छी तीज मनती है तो मन खुश हो जाता है। और त्यौहार को मनाना भी अच्छे से चाहिए, क्योंकि साल भर में जो आता है तो अच्छे से सब लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। और देखो ये डांस है बहुत ही प्यारा, मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने गाने को तो म्यूट, मतलब आवाज़ को क्लॉक कर दिया है, क्योंकि फिर दिक्कत होती है, कॉपीराइट लिखा आ जाता है, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो सबने हरी साड़ियाँ पहनी हैं, किसी ने हरे सूट पहने हैं, तो ऐसे ही बस चल रहा था। और ये मंदिर में हो रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक मंदिर है पास में ही,
ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ गए थे हम। तो फिर मंदिर में ही हम सब लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद फिर खूब अच्छे से इंजॉय किया। तो इस टाइप से मेरी तीज मनी। और कैसी लगी मेरी तीज? और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखो सब लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं। होता है ना एक टाइम जो सबका मन होता है मस्ती करने का, और बहुत अंदर से सब लोग खुश दे एक मतलब उत्साह के साथ मन रही थी तीज, तो अच्छा लग रहा था। और मतलब छोटी बच्चियाँ भी हैं, सब हैं, मतलब सारी लेडीजें हैं हरे हरे कपड़े पहनकर, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी वहाँ जाकर। और ये पड़ोस में ही रहती हैं जैसे आपस में सब, तो एक दूसरे को अभी करी नाचो इधर। वैसे तो बॉक्स चल रहे थे गाने पे, मतलब अच्छा लग रहा था, मैं वीडियो बना रही थी। कभी कभार साल में एक आधी दिन ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ी खुशी से एकदम अच्छा लगता। तो मेरी फ्रेंड है अमृता, मैं उसको बोल रही हूँ आजा आजा, लेकिन उसको ये गाने वगैरह पसंद नहीं है। यहाँ इधर ना रस्सियाँ वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो वो भी कम करती है इन चीज़ों पे डांस। ये रही देखो मेरी फ्रेंड, तो ये मेरे पास आ गई थी, मैंने कहा चलो दोनों जने हम चलते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी नहीं आएगी, तो मैं इसके पास चली जाऊँगी, क्योंकि हर साल ये तीज पे मेरे पास आती है। इनके जब आपके नहीं आएगी तो मैं चली जाऊँगी, तो लेकिन ऐसा हुआ अचानक से वो आ गई और यहाँ पे हम तीनों अलग से फिर कर रहे हैं। मतलब गाना चल रहा है, नाच भी रहे हैं और थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। ये चीज़ें अमृता को बहुत शौक है इन चीज़ों का। और ये पार्लर वाली दीदी हैं, ये अमृता है और ये मैं बना रही हूँ रील, तो बस यही। और गाना उधर चल रहा है तो डांस भी कर रहे हैं हम लोग। तो पहली जो शुरुआत थी वो थी भगवान जी से, और सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि अपने भगवान जी से, और फिर उसके बाद कुछ होता है बाद में। और अभी अमृता का डांस देख रहा, मैंने सोचा कुछ नहीं करेगी, लेकिन देखो इसको पूरी मस्ती आ रही थी, क्या कर रही है। तब इसको देख देख के ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि देखो इसको कितना मतलब अंदर से ना एक मन खुश हो रहा था, इसका खूब मन कर रहा था कि मैं खूब डांस करूं। बाय बाय दोस्तों।